देश के बजट के विषय में आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से बजट पेश हुआ। और मैं तो कहूंगा कि झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो शायद केंद्र सरकार को झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना झारखंड देता है उसकी अपेक्षा हमें आज कितना मिला, क्या खोया क्या पाया, वो आप लोगों के सामने है। और मुझे लगता है बजट बिल्कुल पॉलिटिकल बजट इसको कह सकते हैं। दादा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी का एक डेलीगेशन मिला है। दादा, उनका कहना है कि अप्रत्याशित तौर पर वोटरों की संख्या बढ़ी है। देखिए, हमारे विपक्ष के लोग पास मुद्दा नहीं है, और चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, सब इनको लगता है अपना, और जहाँ इनका ज़्यादा अपना तो लगता है वहाँ जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। और एक जो उनका ना, आप ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप लोग के लिए पसंदीदा होगा, किसी के लिए भी होता होगा, जानवर के लिए भी होता होगा। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। और ये हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र का बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, शायद आप लोग भी बचपन में निबंध उबंध लिखा होगा आप लोगों ने, कि भारत एक विविधताओं का राज है, विविधताओं से भरा पड़ा है, विविधताओं से अनेकता में एकता, इनको ये सारी पसंद है। दादा, एक सवाल था, पार्लियामेंट भी चल रहा है, आंध्र और बिहार को जिस तरीके से बजट में इम्पोर्टेंस दिया गया है, झारखंड चुनावी वर्ष भी है, बावजूद आपको लगता है कि जो इस तरह के छोटे स्टेट है जिसको जरूरत है उसको राज्य की जनता जवाब देगी कि राज्य से आपने लिया क्या और राज्य को आपने दिया क्या। तो लोकतंत्र में जनता के पास 5 साल में एक बार ही जवाब देने का मौका आता है, और वो जवाब देगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।